ये देश एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश में सदियों से लोग एक दूसरे का एहतराम, धर्म का एहतराम, आपस में भाईचारगी का पैगाम देते हुए आए हैं। जो है गणपति का त्यौहार चल रहा है, 28 को गणपति है और उसी दिन प्रॉफिट का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि यहाँ के मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि 28 के बजाय 29 को हम रसूलुल्लाह के जन्मदिन पे जुलूस निकालेंगे। बस मेरा दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि हमारा आपसी भाईचारगी जो है ना, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और मैं ख़ास तौर से अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि देखिए, गणपति में हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, आप अपनी गणपति को खूब अच्छी तरह मनाइए, लेकिन जब कहीं मस्जिद आ जाए ना, कोई मदरसा आ जाए ना, तो एक ऐलान कर दीजिए आप कि हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है और उनकी अजान होती है और इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं और उस वक्त जो है डीजे बजता है या ज़ोर से आवाज़ आती है, तो इमाम साहब की आवाज़ जो नमाजी है वो नहीं सुनते, तो इनकी नमाज ख़राब हो जाती है। सिर्फ इतना करेंगे ना कि आप जब ये मुसलमानों की मस्जिद है, यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ इससे मुसलमानों के अंदर एक मोहब्बत बढ़ेगी और आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। वरना क्या होता है, हर साल कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं और झगड़े होते हैं तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल करके गणपति का एहतराम करेंगे, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन आपस में तो चाहे कोई भी हो, आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे हमारी आपसी गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ने पाए, आपसी कोई झगड़ा लड़ाई होने पाए। ये मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है।